Hello guys, now we are going to discuss the question of case study from the topic coordinate geometry. In previous video I have given the case study question based on quadratic equation और इस साल केस स्टडी का जो क्वेश्चन है इट इज श्योर कि केस स्टडी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आना ही आना है 101%। तो देखिए मैंने आपके लिए बोर्ड पे पूरा का पूरा फिगर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें मैंने आपको जो पॉइंट्स हैं वो रेड पेन से ए बी सी डी प्लॉट किए हुए हैं और क्वेश्चन आप पढ़ लें। स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर स्टैंडिंग इन रोज एंड कॉलम्स इन द प्लेग्राउंड फॉर अ ड्रिल प्रैक्टिस। ए बी सी एंड डी आर द पोजिशन ऑफ फोर स्टूडेंट। कोई फोर स्टूडेंट्स है उनकी पोजिशन ए बी सी डी है। और एक चीज और देख लें कि गलती यहां ये ना हो बच्चों से कि आप इस ए की पोजिशन को देखोगे तो ये ए जो है आपका इस लाइन पर है, डी की पोजिशन देखोगे तो इस लाइन पर है, बी की पोजिशन देखोगे तो इस लाइन पर है, यानी कि इस कॉर्नर पर है बच्चे। तो मैंने जो पॉइंट प्लॉट किया हुआ है उसको समझ लें आप ठीक से कि देखिए ये ए जो है आपका इस पॉइंट पे, बी आपका इस पॉइंट पे, डी आपका इस पॉइंट पे और सी आपका इस पॉइंट पे। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत आसान चैप्टर, जिसने पढ़ा हुआ है और जिसने चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन में ट्रैप हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका वो देख लें आप। तो पहला क्वेश्चन जो पुट अप किया हुआ, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स पोजीशन ऑफ ए एंड बी। तो आप देखें कि ए की जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस पे कितनी है, तो एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3 और वाई एक्सिस पे कितनी है उसकी पोजिशन 5। तो ए का एक कोऑर्डिनेट होगा आपका 3.5, तो 3.5 आपका यहां पर है और यहां पर है, इन दोनों में नहीं है, तो ये आपके ऑप्शंस आउट हो गए। अब आपको जो आंसर चूज करना है वो फर्स्ट से और सेकंड से। अब हम बात करेंगे किसकी, ए के बाद नंबर किसका आया, बी। तो जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। अब हम बी की पोजिशन की बात करें तो बी पॉइंट आपका ये है, तो इसकी पोजिशन को देखें हम, तो ये एक्स पर 7 पर है और वाई पर 9 पर है, तो 7.9 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज 3.5 एंड 7.9। तो दिस इज योर राइट आंसर। अब आप सेकेंड क्वेश्चन की बात करो तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो यहां यूज होने जा रहा है और वो आपसे पूछ रहा है कि बी एंड डी के बीच की दूरी कितनी है। तो बी पॉइंट आपका ये है और डी पॉइंट आपका ये है, तो यहां आप चाहे तो डिस्टेंस हम लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक चीज नोट करें कि जो बी है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसकी आपको यहां से डिस्टेंस पता है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप ये वाली डिस्टेंस की बात करें तो जो बी की पोजिशन है वो 9th पोजिशन पे है। बी आपकी ये जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी है बी की 9, हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डी की डिस्टेंस कितनी है 1, तो वो बी और डी के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बी और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 9 में से आपने 1 माइनस किया तो 8 यूनिट। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पे ये कंप्लीट हो गया। तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लगा भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। अगर सपोज करिए किसी बच्चे ने जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कंसीडर किए, कंसीडर क्या वो तो है ही एग्जैक्टली 7.9 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसने ले लिए 7.1 और यहां वो जल्दबाजी क्या उसने, अगर उसमें यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया तो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 तो 7 - 7 तो 0 का स्क्वायर हो गया और 1 - 8 तो -8 का स्क्वायर हो गया। तो सभी बच्चों को मालूम है ये 0 प्लस कितना होगा 64 और अंडर रूट से जो बाहर निकल के आना है वो कितना आना है 8 यूनिट। तो इसको आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो यहां पे आपका ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच का पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट की वो बात कर रहा है। तो मिड पॉइंट का एक चीज कंफर्म है कि यहां पे आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जो केस था आपका वो केस था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमने क्या किया कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मालूम है कितने हैं 3.5, तो मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया और ए के कोऑर्डिनेट्स को 3.5 से प्लॉट किया और दूसरा पॉइंट डी लिया मैंने और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 7.1 है एंड दे आर गोइंग टू आस्क द मिड पॉइंट। तो सभी बच्चों को मालूम है मिड पॉइंट मैंने कंसीडर किया यहां पे किसी भी पॉइंट से, उसको सपोज करिए मैंने टी लेट कर लिया और मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो ये टी जो है एडी लाइन सेगमेंट को
टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहां पर ये कहेंगे जो रेशियो होगा हमारा एम इज टू एन दैट इज 1:1 होगा। तो मिड पॉइंट के लिए आप सभी ने फॉर्मुला पढ़ा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन सॉरी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू। तो यहां एक्स टू की वैल्यू कितनी है 7 है और एक्स वन की वैल्यू कितनी है 3 है, तो दिस इज वॉट 5। तो यहां पे आपको x कोऑर्डिनेट मिल चुका है 5। अब अगर हम y की बात करें तो y के लिए आपका y2 plus y1 दिस विल बी व्हाट 1 + 5 / 2 तो 6/2 और आंसर कितना आया 3। तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 5, 3। तो यहां भी जल्दबाजी ना करें आंसर को लिखते समय, क्योंकि यहां आंसर एक 3, 5 लिखा हुआ है और एक 5, 3 हुआ है। तो मेक श्योर बिफोर राइटिंग द आंसर दैट x इज 5 एंड y इज 3 और ऑलवेज x इज रिटन इन फर्स्ट इन ऑर्डर्ड पेयर एंड y इज सेकंड। तो आपका आंसर हुआ 5, 3। तो सॉल्यूशन आपके हुए ये वाले। तो केस स्टडी में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चंस आएंगे, उन 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो एक आपके लिए इंटरनल चॉइस होगी। तो 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है सी और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपको और एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, दे आर आस्किंग द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बात कर रहा हूं, ये यहां से मैंने रफ कर दिया है और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, दे आर आस्किंग फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, देखिए आप फटाफट से जब तक इसके आंसर्स निकाल लीजिए जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो, और मैं आपको आंसर लिख रहा हूं। ये 4 यूनिट है, ये 4 अंडर रूट 2 है और थर्ड पॉइंट आपका 8 है और फोर्थ आपका जो ऑप्शन है वो अंडर रूट 2 है। अब मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो देखिए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो ये कितना है आपका 11 और ये कितना है आपका 6 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो ये कितना है आपका 7 और ये कितना है आपका 1। तो आपको सी डी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला सारे बच्चों को मालूम है, ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है। तो यहाँ पे मैं एक्स टू माइनस एक्स वन करूँगा तो 7 - 11 का स्क्वायर, 1 - 6 का स्क्वायर, तो यहाँ -4 का स्क्वायर 16 आएगा और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 25 आएगा। देखें ध्यान से, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी इसमें। दे आर आस्किंग द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 और कितना है 6, तो 11, 6। डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 7, 1, 7 - 11 - 4 और -4 का स्क्वायर 16 है, 1 - 6 तो ये कितना हो गया 25 एंड 16 + 25 इज वॉट 41, जबकि ये 41 मेरे पास ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको डी पार्ट जो दिया वो आपका इस मेरे पास जो सैंपल पेपर हाथ में लगा हुआ है वहाँ पर है और आंसर इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर कोई मिसप्रिंट हो या ऑप्शन में कोई मिसप्रिंट हो सकती है। तो ये आपके केस स्टडी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए और जो फिफ्थ क्वेश्चन है अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपको 5 में से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं फिफ्थ क्वेश्चन, और देखें ध्यान से बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में यह बोला गया कि हाउ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल, तो ये हाउ साइड्स नहीं, इट मस्ट बी हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो यहां आपको ये क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखाई देगा, अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, मैं अगर इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो देखें आपको कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ कई तरीके के क्वेश्चंस इसमें जनरेट किए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस टाइप का होगा। इट विल बी ए पैरेललोग्राम, इट विल बी ए रेक्टेंगल, इट विल बी ए स्क्वायर और व्हाटएवर दे कैन आस्क यू।
तो यहां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी साइड्स इक्वल हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन एक कंप्लीट हो चुका है केस स्टडीज का। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक से केस स्टडी के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो केस स्टडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए और वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए।